राजस्थान में खाकी एक बार फिर दागदार हुई। भीलवाड़ा में दो पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी राजू फौजी के सहयोगी रामनिवास जाट को जोधपुर पुलिस मथुरादास माथुर अस्पताल से जोधपुर पुलिस मथुरादास माथुर अस्पताल से तफरी कराने ले गई थी। इस मामले में हेड कांस्टेबल समेत पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के बाद राजू फौजी के सहयोगी रामनिवास जाट को गिरफ्तार किया गया था। रामनिवास जोधपुर जेल में बंद है। 24 जून को रामनिवास को पीठ दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में रहने के दौरान एक हेड कांस्टेबल समेत पांच चालानी गार्ड की ड्यूटी थी। रामनिवास अस्पताल के कॉटेज वार्ड में था। इस दौरान नर्स इंजेक्शन लगाने आई तो कमरा अंदर से बंद मिला। एक कर्मचारी ने खिड़की से कॉटेज वार्ड में जाकर दरवाजा खोला। अंदर न तो मरीज मिला और न ही उसके चौकीदारी के लिए तैनात गार्ड मिले। इसके बाद चौकी पुलिस को सूचना दी गई। वहीं चौकी से पुलिस ने चालानी गार्ड को फोन किया। फोन करने के बाद चालानी गार्ड बंदी को लेकर वापस अस्पताल पहुंच गए। रामनिवास अस्पताल में 15 दिन से भर्ती है। ऐसे में उसे घुमाने का खेल कितने दिन से चल रहा था इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इन सभी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमडीएम हॉस्पिटल प्रशासन से हमें सूचना मिली थी कि भिलवाड़ा में जो पुलिसकर्मी की हत्या तस्करों द्वारा की गई थी उसमें एक सहायक आरोपी रामनिवास जो जेल में था वहां से उसको उपचार के लिए 24 जून से एमडीएम अस्पताल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती करवाया गया था और उन्होंने बताया कि करीब 2-3 घंटे वो अस्पताल से गायब रहा। उसके बाद आए जब हम मौके पर पहुंचे तो जो नर्स थी वो जब इंजेक्शन लगाने के लिए उसके कमरे में गई तो वो कमरे में मिला नहीं, लेकिन मामले को संदिग्ध देखते हुए तुरंत उच्चाधिकारी को डीसीपी साहब को कमिश्नर साहब को अवगत कराया और प्रथम दृष्टया हमने रात में ही जो है उसके बारे में जांच प्रारंभ की तो लगा कि मामला संदिग्ध है। जो पांचों पुलिसकर्मी जो गार्ड में लगाए गए थे उन सबको निलंबित कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे की